अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज जो है हम दही इलाके में जा रहे हैं और हमारी गाड़ी जो है यहाँ पे मौजूद है, मिट्टी से निकल रहे हैं। पेट्रोल पंप पर हम पे तेल भरवा रहे हैं। आप देख सकते हैं इस तरह की गाड़ियाँ चलती हैं, इसको 4x4 गाड़ियाँ बोलते हैं। और जो है हम यहाँ से अब जा रहे हैं गाँव जगारी, वहाँ पर हम दिखाएँगे आपको कि थरपारकर में शादी की रस्में कैसी होती है, वहाँ पर घड़ी की भी रस्म होगी, दूल्हा भी बनेगा, तो फिर वो ये तमाम रस्में वो हम आपको शहर थर के इलाके दूर दराज में जाकर दिखाते हैं। मैं यहाँ बैठे बड़े बना रही थी, मुझे कुछ करने की जरूरत शेरा इलाके में पहुंच चुके हैं। पहले शेरे और बूंदे भी बरसात की आना शुरू हो चुके हैं। देखें पूरी ज़मीन जो है भीग चुकी है और दरख्त भी नहा रहे हैं। थरपारकर में साल में एक बार बरसातें होती है, तो मतलब शेरा में एकदम ठंडा ठंडा मौसम हो गया। सिपाने जब बैठे रहे ना घर में, किस तरह जो है गांव में शादियां होती है थरपारकर में, और ये थरपारकर का शहरा इलाका है। और मैं गांव में आई हूँ, यहाँ पर जो शादी की रस्में की जा रही है, यहाँ पर जो दूल्हे को तैयार किया गया है। आइए, हमने तो गर्मी बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पे दूल्हा तैयार हो रहा है, यहाँ पे औरतें जो है गीत भी गा रही हैं। ये देखिए मैं आपको दिखाऊंगा, ये दूल्हे को जो है अभी मेहंदी लगाई जा रही है, मेहंदी की रस्म हो रही है। ये बाबा उठते हैं, चलो ये दूल्हे को भी मेहंदी लगा दी गई है। ये बराबर में हमारे नाजरीन, ये जो है यहाँ पे दिन के खाने की रात के खाने की तैयारी की जा रही है। ये दिन का वक्त है क्योंकि यहाँ पे दूर दराज इलाका है थरपारकर का, और ये शहरों से जाकर जो है लेकर आते हैं सामान। और आज जो है यहाँ पर रात की दावत रखी गई है। यहाँ पे देखें कोई प्याज काट रहा है, कोई क्या कर रहा है, हर कोई अपने अपने काम में मशगूल है। बकरियाँ भी काटी जा रही है, सो तैयारी जो है अपने उरूज पर है। और जैसा कि गांव में जो है जब भी शादियां होती है तो इस तरह से बहुत ज़्यादा अहतमाम किए जाते हैं। पहले तो बिल्कुल सादगी से खाना खिलाया जाता था, मगर जैसे जैसे दौर जदीद आया है तो फिर जो है लोगों ने जो है आइटम भी बहुत ज़्यादा बनाना शुरू कर दिए। यहाँ पर आप देखेंगे अब देगें जो है चढ़ चुकी हैं और जो है तकरीबन खाना बनना शुरू हो चुका है। पहले जो है काटा पीटी हो रही थी, बन सामान इकट्ठा किया जाता था, अब जो है देगें चल रही हैं। और अभी अनकरीब ही जो है रात के टाइम तकरीबन 7 बजे का टाइम रखा हुआ है दावत का, सो लोग आना शुरू हो जाएंगे। ये लकड़ियाँ भी यहाँ पर मौजूद है, ये सब कुछ जो है ये काफ़ी सामान जो है जो अरेंजमेंट है ये अपने हाथों से करते हैं, जैसा कि लकड़ियाँ लाना हो।
नाज़रीन, मैंने सुबह आपको दिखाई थी मेहंदी की रस्म, और अब जो है यहाँ पर जो है दूल्हे को तैयार किया जा रहा है, और अभी जो है यहाँ पे दूल्हे की तैयारियाँ हो रही है। चले मैं आपको दिखाती हूँ यहाँ पर थरपारकर की शादियाँ किस तरह होती है और दूल्हे को किस तरह तैयार किया जाता है। मैं आपको ज़रूर ख़वातीन की भी तस्वीरें वगैरह दिखाती हूँ, मगर यहाँ पर जो है ख़वातीन जो है वो वीडियोस बनाने से मना करते हैं। ये आप देखें दूल्हा जो है तैयार हो रहा है, मैं मज़ीद आपको वीडियोस दिखाती हूँ। ये जो है दूल्हे के कज़न वगैरह हैं, यहाँ पर जो है ये हार भी लाए गए हैं। हाँ एक दो मेरी मेरा फिर हो जाए, यहाँ पर हार बनाए जा रहे हैं। एकड़ो एकड़ो करे पेरा फोटो निकलते बेड़ो वो वो है भाई ना गड़बड़ हो जाए। ओ बैग बंद करो, पूरा पूरा बैग बंद कर। बोर्ड का आया है, अलग ही बसे का खाना है। एकड़ो एकड़ो सी दे रहे हैं फोटो करते मोड़ के चले तस्वीर भी सुठी ईंदी न। चलो ये जो है पैसे वारे जा रहे हैं तो रहता ही एक तरफ खवातीन जो है गीत गा रही हैं, दूसरी तरफ चल रही है तैयार। ये जो है यहाँ की रस्म है, सेहरा बांधा जा रहा है थरपारकर में, सेहरा इस तरह बनाया जाता है, इस तरह जो है सेहरा। Gracias.